हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SSK एजुकेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास थर्ड की मैथ्स के बारे में। और मैथ्स में हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि हमारा जो बेसिक टॉपिक था वो था एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है गिव एंड टेक, ठीक है। इसके अंदर भी वही काम है, एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है। यहाँ आपको लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे और आपको उनमें जो भी क्वेश्चन मांग रहा है, आपको प्लस करने को बोल रहा है, माइनस करने को बोल रहा है, वो आपको करना होगा। तो ये तो आपको पता है कि कैसे किया जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में ही इसमें डायरेक्टली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, गिव एंड टेक। देखो, पहले तो गिव का मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ में, मान लो कोई नंबर है, मान लो 50, इसको कुछ दिया जाए यानी कुछ ऐड किया जाए तो कोई वैल्यू आएगी। मान लो उसको 20 दे दिया, यानी वी हैव गिवन 20 टू 50, देन इट विल गिव अस 70, है ना। टेक का मतलब होता है उसमें से लेना। मान लो 50 में से 20 ले लिया यानी घटा दिया, तो क्या बचा? थर्टी, है ना। तो इस तरीके से होता है ये। चलो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें किस तरीके के आएंगे। आपके क्वेश्चंस देखो आपके किस तरीके से आएंगे। पहला जो आपके क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है लैंग्वेज का, जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं वो कैसे रहने वाले हैं कि आपको डायरेक्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। और थर्ड आपको किस तरीके से क्वेश्चन देंगे, पजल की फॉर्म में। तो हम तीनों तरीके के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलो लिखते हैं हम पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे मान लो क्या कहता है, अ मैन मेड 3 cloth bags इन, सॉरी मैं 3 इसको ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। अ मैन मेड 3 cloth bags इन, सॉरी, ऑन फर्स्ट डे ही मेड 2, अगर 30 कर लेते इसे, ठीक है, 22 bags ऑन दी सेकेंड डे, देन हाउ मैनी बैग्स ही हैव मेड। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ कह दिया है कि एक आदमी है वो 30 cloth bags बनाता है फर्स्ट डे को, यानी कि फर्स्ट डे को उसने कितने बनाए, 30। सेकेंड डे को उसने बनाए 22। तो यहाँ पूछा है हाउ मैनी बैग्स ही हैव मेड, कि मतलब उसने कितने बैग बना लिए इन द 2 days, इन 2 दिनों में उसने कितने बैग बना लिए। कैसे पता चलेगा, फर्स्ट डे को इतने बना लिए, सेकेंड डे को इतने और बना लिए, तो कितने बैग बनाए वो उसको ऐड करने से पता चलता है हमें। इतने थे ही, इतने और कर लिए तो अब कितने हुए, तो वर 2, 3 और 2, 5, 52 bags बनाए। तो इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस में लैंग्वेज समझनी है और उसके बाद में अगर आप इनका मतलब पता कर लेते हो तो आप इस क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो, ओके। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे ही हम। अ मैन हैड
500 रुपीस विद हिम। ठीक है, मतलब एक आदमी है उसके पास में 500 रुपीस है, ये 5 है, ओके 500 रुपीस उस आदमी के पास में है। आगे देखो, ही हैड गिवन 200 रुपीस टू हिज सन। रुपीज टू हिज वाइफ, देन हाउ मैनी रुपीज लेफ्ट विद हिम। ठीक है, तो क्या है, 500 रुपीस तो उसके पास में थे, उसमें से उसने 200 रुपीस अपने बेटे को दे दिए और 50 रुपीस अपनी वाइफ को दे दिए। ये देखो, सॉरी कैमरा ये रहा, तो देखो 500 रुपीस थे, 200 अपने सन को दे दिए, 50 रुपीस अपने वाइफ को दे दिए। तो अब उसके पास में कितना बचे, कैसे पता चलेगा? पहले तो हमें ये पता करने पड़ेगा कि आखिर उसने कितने रुपए दे दिए हैं। तो देखो कैसे पता चलेगा, 200 रुपीस तो अपने सन को दिए, 50 अपनी वाइफ को दे दिए, एंड टोटल उसने कितने रुपीस दे दिए हैं किसी को, इसको ऐड करने से पता चलेगा 250। ठीक है, अब उसके पास कितने बचे कैसे पता चलेगा, उसके पास पहले 500 थे, उसमें से 250 उसने किसी को दे दिए, तो अब उसके पास कितना कितने बचे कैसे पता चलेगा, माइनस करने पे। जीरो, ये ज़ीरो है तो यहाँ 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 10 में से 5 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2, 250 उसके पास में अब बचते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके वाले क्वेश्चंस हैं जो कि ऐसे आते हैं आपके पास में लैंग्वेज के, इनमें क्या है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, उसके बाद आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि आपको इसमें करना क्या है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल मैथ है ये। उसके बाद में जो हमारे पास में सेकंड टाइप था, देखो मैंने यहाँ पे लिखे थे ना, तो यहाँ से हमने लैंग्वेज टाइप को तो डिस्कस कर लिया है, दो क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए हैं। हार्ड टू हार्ड इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास में आ सकता है, इससे ज़्यादा हार्ड आपके पास में नहीं आएगा, ओके। और अब है डायरेक्ट क्वेश्चंस, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस किस तरह किए जाते हैं। डायरेक्ट कैसे दिया जाता है कि देखो, जैसे मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ आपको, डायरेक्ट के लिए 250 + 360 इस तरीके से आपको लिख के दिया जाएगा, और आपको क्या करना है, इसका आंसर करना है। 0, 6 और 5, 11 का 1, 1 कैरी 6, है ना, इस तरीके से आपको सिर्फ इसका ये आंसर लिखना है, इस तरीके ये आपको लिखा हुआ दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराने हैं। लास्ट वीडियो में हमने इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस किए भी थे, तो ये भी हमारा हो गया है। अब आता है पजल टाइप क्वेश्चंस, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपकी बुक के अंदर जो पजल दी हुई है वो किस तरीके से दी हुई है, कि जब मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ पजल क्वेश्चन का, एक आपके लिए लिखा 50, 70 एंड 20, इसको आप किस तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो कैसे अरेंज कर सकते हैं, 50 है प्लस 20 लिखेंगे तो 70 आ जाएगा। एक हम ये कर सकते हैं, 70 - 50 करके तो 20 आ जाएगा, 70 - 20 कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास में 50। इसके अलावा आप ऐसे लिख सकते हो कि 20 + 50 = 70, है ना। तो ये चार तरीके से आप इस चीज़ इनको अरेंज कर सकते हो, कि देखो इनके साथ के प्लस कराया, माइनस किया, तो ये कोई थर्ड नंबर
हमें दे रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पजल क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना ही है इसके अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।